फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाहाबादी गर्ल बबीता राज। मैं बबीता। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कोकोनट ऑयल के फायदे। कोकोनट ऑयल से, नारियल तेल से आप अपने कलर को कैसे फेयर करोगे। और जब आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी है, बहुत ज्यादा फट रही है, रूखी है, बेजान है, तो आप कोकोनट ऑयल का कैसे यूज करो जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट, कोमल, मुलायम हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही, कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। हमारी स्किन की कई तरह की प्रॉब्लम, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम को ये दूर कर देता है। अगर आपको ये सूट करता है तो, क्योंकि सभी को ये नहीं सूट करता है, सबकी स्किन अलग होती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो कोकोनट ऑयल से अच्छा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, क्योंकि मेरी स्किन खुद भी ऑयली है, मैं यूज करती हूँ, तो ये मुझे सूट करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और आपको इसे यूज करने के बाद पिंपल्स निकलते हैं, तो आप ना यूज कीजिएगा। अगर आपको पिंपल्स नहीं निकलते ना, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपके कलर भी फेयर होगा और आपके जो दाग धब्बे हैं, आपकी बढ़ती एज के पहले जो आपके फेस पे झुर्रियां आ जाती है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ढीली हो गई है, लूज हो चुकी है, उस पर ग्लो नहीं है, साइन नहीं है, और आपकी स्किन पे फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कोकोनट ऑयल के फायदे। तो फ्रेंड्स, जो कोकोनट ऑयल है ना, हमारे स्किन के लिए काफी अच्छा है। ये हमारे कलर को फेयर करता है और साथ ही हमारे बालों को ये घना करता है, लंबा करता है, मजबूत करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, दो मुंह है, रूखे से हैं, उसमें साइन नहीं है, आपके बाल लंबे नहीं हो रहे, तो अगर आप कोकोनट ऑयल में आंवले के जूस को मिक्स करके लगा रहे हो, तो आपके जो बाल है ना, काफी काले हो जाएंगे और टाइम के पहले सफेद भी नहीं होंगे, घने हो जाएंगे। काफी अच्छा होता है और इसका मैंने वीडियो डाल रखा है, आप कोकोनट ऑयल में आंवला जूस कैसे मिक्स करके आंवला ऑयल बनाओगे, तो ये आपके बालों के लिए भी काफी अच्छा है। और साथ तो फ्रेंड, सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और खासतौर की हाथ पैर की बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, तो बॉडी की स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है। हम कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करते हैं तो थोड़ी देर बाद, एक दो घंटे के बाद, फिर से हमारी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो मैं तो यही कहूंगी, आप हर मौसम में अगर कोकोनट ऑयल का यूज कर रहे हो, नारियल तेल का यूज कर रहे हो, तो आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगी। एक ही दो दिन में आपको इसका असर दिखेगा कि आपकी स्किन है इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी कोमल, इतनी मुलायम हो जाएगी। अगर आप रात में सोने के पहले कोकोनट ऑयल से पूरे बॉडी पे मसाज कर रहे हो, जैसे आपके जो हाथ है बहुत ज्यादा ड्राई हैं, काले हैं, आपके पैर बहुत ज्यादा सर्दियों में ड्राई हो जाते हैं, फटने लगते हैं और उस पर खुजली सी होती है, तो डेली आप रात में सोने के पहले कोकोनट ऑयल से मसाज कीजिए। आपकी स्किन ग्लो करेगी, शाइन करेगी, साथ ही आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। मैं सर्दियों में कोकोनट ही ऑयल का यूज करती हूँ, मैं मॉइस्चराइजर बहुत कम यूज करती हूँ, तो ज्यादातर मैं कोकोनट ऑयल का ही यूज करती हूँ। अगर आप कोकोनट ऑयल का यूज कर रहे हो, तो आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगी। कोकोनट ऑयल किस तरह आप यूज करोगे जिससे आपका जो रंगत है निखर आएगी, उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा कोकोनट लेना है, मैं आपको लेके दिखाती हूँ। बहुत थोड़ा सा नहीं लेना, ज्यादा लेना है तो ये भी नहीं कि आप बिल्कुल कम लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया। ऐसे आपको कोकोनट ऑयल ले लेना है, नारियल ऑयल ले लेना है, और इसको लेकर के आपको पूरे फेस पे मसाज करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा फटती है, तो आप इसमें एक दो ड्रॉप ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हो और इसे लेकर के आपको पूरे फेस पे मसाज करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई है और फटते हैं, खासतौर पर ये जो एरिया होता है ना, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, क्योंकि हम बात बोलते रहते हैं और कुछ खाते रहते हैं, तो जो ये एरिया बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, फट जाता है। तो आपको क्या करना है, मैं पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। आपको कोकोनट ऑयल ले लेना है पूरे फेस पे। मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया, आपको पहले बता देती हूँ, बस मैंने लिप कलर ही लगाया है। तो पूरे फेस पे आपको लेके रात में कोकोनट ऑयल से लेके मसाज करना है। ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप डेली कोकोनट ऑयल से मसाज करके रात में सो रहे हो, आप चाहिए तो इसमें एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हो, विटामिन ई कैप्सूल भी मिक्स कर सकते हो, और इसे लेके आपको पूरे फेस पे मसाज कर लेना है। मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो हल्का सा इसमें ग्लिसरीन ऐड कर सकते हो, आपको मसाज करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो मसाज आपको तब तक करना है जबकि फेस पे ये जो ऑयल है बिल्कुल खत्म ना हो जाए। और ये देखिए, मैं यहाँ मसाज कर रही हूँ, आपको ये दो मिनट तक मसाज करना है और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी स्किन पे जो ऑयल है बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो आप अगर आप डेली रात में ऐसे मसाज करके सो रहे हो, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो आपको ऐसे मसाज कर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ मसाज कर लिया है, आपको यही करना है। अगर आपके लिप्स यहाँ पे बहुत ज्यादा फटते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, आपको नारियल तेल लेना है, उसमें हल्का सा ग्लिसरीन ऐड कर लेना है। डेली रात में आपको अपने लिप्स पे मसाज करके सो जाना है।
और फिर आप देखोगे ना एक दो दिन में आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, आपके जो लिप्स हैं बिल्कुल ड्राई नहीं रहेंगे, फटेंगे नहीं। आप ये डेली कर सकते हो, आप चाहो तो इसे दिन में भी कर सकते हो। और ये आपको रात में करना है आपके फेस के लिए। आप चाहो तो इसमें विटामिन ई कैप्सूल यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, दोनों को अच्छे से मिक्स को लेके मसाज करके अगर आप इस तरह यूज कर रहे हो तो आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपकी जो रंगत है काफी फेयर हो जाएगी, आपकी स्किन की जो फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, झुर्रियों की, रिंकल्स की, आपका जो चेहरा बेदाग खूबसूरत हो जाएगा। अगर आप ये कर रहे हो, डेली रात में लगा रहे हो, आपकी स्किन को सूट कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छा मैं मॉइस्चराइजर बोलूंगी। और अगर आप नहाने के बाद आपकी कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं अपने हाथ पैर में पूरे बॉडी पे लगाते हैं, तो आप देखते होंगे 2-3 घंटे के बाद जो हमारी स्किन होती है हाथ पैर की बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, फटने लगती है, रूखी सी हो जाती है, बेजान सी होती है। तो आप डेली तो आपको क्या करना है, रोजाना नहाने के बाद आपको कोकोनट ऑयल लेकर के बाद आपको कोकोनट ऑयल से लेके आपको पूरे बॉडी पे मसाज करना है, अपने हाथ पैर पे आपको अच्छे से मसाज करना। अगर आप ये काम कर रहे हो ना, तो आपकी सर्दियों में जो स्किन रूखी सी बेजान सी रहती है, ड्राई रहती है, वो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आप खुद ही देखोगे कुछ ही दिनों में आपकी जो स्किन ड्राई हो जाती है सर्दियों में वो नहीं होगी। आपके हाथ पे बहुत ज्यादा ड्राई हो तो आप इसमें ग्लिसिन ऐड कर सकते हो, 2-3 ड्रॉप आप ग्लिसिन ऐड करके। ये जो कोकोनट ऑयल है ना बड़े काम की चीज है। अगर क्या होता है कई लोग की मैंने देखा है स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है, रेसेस हो जाते हैं और वहां पे छोटे छोटे रेड कलर के दाने आ जाते हैं और वहां बहुत ज्यादा खुजली होती है, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा जब ड्राई हो जाएगी तो रेसेस होंगे और दाने निकल आएंगे और खुजली बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपकी खुजली की प्रॉब्लम है सर्दियों में पूरे बॉडी पे हाथ पैर पे, तो आपको क्या करना है, आपको कोकोनट ऑयल लेना है, बिल्कुल छोटा वाला लेना है, बेबी कोकोनट ऑयल लेना है, और उसमें आपको 2-3 जो कपूर जो होते हैं जो पूजा में हम यूज करते हैं कपूर, आपको छोटे छोटे 2-3 पीस डाल देना है और इसे आपको रख लेना है। रात में सोने के पहले आपको इसे लेकर के हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है जो कोकोनट ऑयल होता है ये जम जाता है, तो आप इसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा, रात में सोने के पहले पूरे बॉडी पे लगा लीजिएगा, तो आपकी जो स्किन आपकी जो खुजली की प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी। 1-2 दिन में ये असर दिखेगा कि आपकी बॉडी पे जो खुजली होती है वो चीज नहीं होगी। आप चाहो तो नहाने के बाद इसे दिन में भी लगा सकते हो। अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, खुजली की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो आप इसे दिन में भी यूज कर सकते हो। इसे आप जरूर यूज करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो आपको बहुत अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।